रक्तांत यानी यात्रा के बारे में। गर्मी की छुट्टियाँ की छुट्टियाँ कहाँ लिखा है? छुट्टियों की बात है, पिताजी ने आधे समय ही कहा इस बार गर्मी की छुट्टियों में ताजमहल देखने आगरा जा खुल रही आँख मैं खुल रही ये दोनों में लगी है तुम्हारे एक में लगी कोई नहीं चलो पढ़ो तुम ना सही हो जाएगा तेरा चलो वहाँ पेंसिल रखो ना अपनी पेंसिल रखो मैं देख जाऊँगा पढ़ पेंसिल रखो अपनी बस फिर क्या था ये सुनकर तो मानो जैसे हमें बिन मांगे। अरे तुम क्या कर रही हो कुछ दिखाओगी क्या कर रही हो इतने टाइम से? पिताजी ने माँ से क्या कर लिया मैथ्स में वो तीन साल के आगे तो नहीं करी कुछ जल्दी करो पूरे चाहिए मुझे वो लास्ट सम भी करना था एक मैंने इसलिए छुपाया था मैंने कब करने बैठ गई वो एक हफ्ते बाद सभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे लेकिन हमारी ट्रेन के आने में शायद अभी कुछ समय बाकी था। हमने स्टेशन पर लगी दुकानों से चिप्स कोल्ड ड्रिंक मूंगफली वे अन्य सामान खरीद लिया ताकि हम हमारी यात्रा सुगम और रोमांचक बन जाए। देखते हमारी प्लेटफॉर्म पर हम सभी लोग ट्रेन से करीबन तीन घंटों में आगरा उतर गए मगर थकान के मारे हमने गेस्ट हाउस जाकर विश्राम करना सही समझा और अगली सुबह तक ताजमहल यात्रा के लिए निकल। एक बीआरबी का था नहीं आया तो पूछ लेना अभी जब कर रही हो ना तो समझ के करो नहीं आता तो पूछो क्या समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल डर गए रिटर्न करने में टाइम लग गया था वो खराब ही कर ऑटो से गेस्ट हाउस वाले इलाके से बाहर आए और वहाँ से टैक्सी लेकर ताजमहल के गेट पर जा खड़े। तुम्हें दिख रहा है कोई कुछ नहीं दिख रहा ना धुंधला हो रहा है नहीं दिख रहा दिख रहा है ध्यान दे पा रहे हो कोई पूछा है ठीक है नहीं जा रहा तो कोई फायदा नहीं तुम्हारा तो बस लोग गाड़ियां ही देख रहे हैं दिख रहे हैं गाड़ियां ही दिख रहे हैं दिख रहे हैं लोग और गाड़ियां दिख रही हैं आगे। पिताजी बोले अरे याद हुआ भाई तो चलो फिलहाल तो हमें ताजमहल देखने के लिए टिकटें खरीदनी होंगी। पिताजी टिकट की लाइन में लग गए इतने में माँ के पास आकर एक व्यक्ति बोला मैडम गाइड चाहिए ताजमहल दिखाने के लिए। हम सोचकर संतुष्ट हुए कि वह हमें सब कुछ ठीक ठाक से दिखा देगा।
ताजी गाइड से भाई हम ताजमहल देखना चाहते हैं, हमें दिखाते भी जाओ और सब बातें अच्छी तरह समझाते भी जाओ। ठीक है, आगे लीजिए साहेब, देखिए आपके सामने यह ताजमहल बेगम मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में बनवाया गया था। वह यह ताजमहल बेगम मुमताज की कब्रें चलो तो अभी है चाइल्ड क्लास में भी नहीं होती वैसे, मैडम नहीं लेती है ये चाइल्ड हूँ बिहेव्स बैडली कहते हैं उसे। प्यार स्टेयर एट समवन विद एंग्री, गुस्से से किसी की तरफ घूमना। ग्राउंड मेड एंग्री साउंड्स टू समवन, किसी के गुस्से से मतलब साउंड निकालना है। ग्राउंड रियल ग्राउंड करता है ना। स्टार्ट देखिए दोनों ओर चलो भाई आ रहा है पढ़ना, दिख रहा नहीं दिख रहा, पढ़ने का है नहीं पढ़ने का मन बताओ जल्दी, है पढ़ना चाहते हो? चलो तो पढ़ो, देखना ऐसा ही पढ़ता है कि नहीं। और ये हाँ ये तुम्हारी है चबूतरे, देखिए इसके नहीं दिख रहा तो रहने दो, काम से दिख रहा है इसको आज थोड़ा थोड़ा कर रहा है, देखना भी आ ये कहता है ये छुपा देता है मेरे लिए पढ़ रहा है एक आम से भी एक आम से भी पढ़ रहा है। चलो पढ़ो सुंदर तालाब के चारों तरफ बेंच बने पढ़ने दो से अपनी उसे पढ़ने दो थकान मिटाते हैं, दिखने लगा आपको उसको से देखो सही पढ़ो को निहारते हैं थोड़ा दिख रहा है तालाब के जल की खास बात यह है कि आपको जल के भीतर एक दूसरा ताजमहल दिखाई देगा, कितना सुंदर दिख रहा है ना यह है। घोड़ा आगे बढ़ने पर गाइड ने हमें ताजमहल के चारों तरफ बने सुंदर तो लिख रहा गाइड जल्दी आप करो, घर जाके भी इनको एक बार रिवाइज कर लेना सुबह में है रेस्ट होगा ना, एक बार मॉर्निंग में क्वेश्चन आंसर अच्छे से रिवाइज कर लेना, थोड़ी थोड़ी कमियां है अभी। दिखाए उस इस चबूतरे से नीचे की ओर संगमरमर की सादी सीढ़ियां हमें दिखाने की पत्थर की शादी होती है और ले एक आंख से देखना पड़ रहा है उसको। चलिए कहाँ चले चलिए कहाँ चले चलो नीचे जाओ। यह देखिए एक
कब्र कब्र बेगम मुमताज की और दूसरी शाहजहां की है। वेरी गुड। ये कब्र कब्रें उनके प्रेम की अमर कहानी कह रही है। आइए अब ऊपर चलो चलें। ठीक है। देखिए साहब कितना लंबा चौड़ा बाग है, उसके एक और यमुना नदी का सुंदर दृश्य है और दूसरी ओर हरियाली लहलाती है। पिताजी मेरा एक फोटो खींचिए ना, खींचिए ना। अरे रुको, हम सभी का सामूहिक चित्र होना चाहिए ताकि ताजमहल की यादें हमें हम अपने साथ दिल्ली तक लेकर जाए और यहाँ को के अनुभव संजोए। आपने देखा कितना सुंदर और देखा तो नहीं है यह भवन, इसे इसमें खुदाई कढ़ाई और कच्चीकारी का कितना सुंदर काम हुआ। जनाब रंग बिरंगे फूल मूल्यवान और इसकी बनावट के कारण ताजमहल को दुनिया के साथ अजूबों में से एक माना जाता है। सचमुच इस दरबार को सहेजने में हमें अपना पूरा पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सरकार को ताजमहल के आसपास प्रदूषण को खत्म करने के उपाय सोचने होंगे, तभी यह धरोहर हम आने वाले वाली पीढ़ियों को सौंप पाएंगे। अब शब्द पढ़ के सुनाओ फटाफट। संगमरमर सफेद चिकना और हरा मुलायम। मेरा गिरा पैर कभी बाद में संगमरमर सफेद हुआ याद जल्दी याद करो फिल्म सफेद और मुलायम पत्थर। अरे देख के सुना दो, अभी वो नहीं कर रहे, देख के सुनाओ पढ़ते सफेद चिकना और मुलायम पत्थर। दूसरा गाइड रास्ता दिखाने वाला या और क्या आगे पथ प्रदर्शक पर पढ़ना तो है पथ प्रदर्शक पक्षीकारी तराशे हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी भवन महल बुर्ज मीनार। अब ये जो डिफिकल्ट वर्ड है इनकी डिक्टेशन होगी अभी। गर्मी कोल्ड ड्रिंक मूंगफली आराम फवारे प्रदूषण पीढ़ियां जुबोए अभी डिक्टेशन होगी इसकी। आगे समझ में किसकी? ये आठ वर्ड होगी डिक्टेशन होगी। आठ ये है और ये रहे 18 वर्ड है। ये धरोहर अनुभव सुंदरता प्रदूषण मनमोहन या एक बार पढ़ लो पढ़ो फटाफट डिक्टेशन होगी इनकी। अपनी अपनी कॉपियाँ तो लाए हो ना।
पढ़ लो सही से, मात्राएं गलत नहीं होनी चाहिए। फवारे को फवारे कहते हो? प्रदूषण, यात्री, दरवाजा, सीढ़ियां, हरियाली, मनमोहन। देखो पीढ़ियां और सीढ़ियां बिल्कुल सेम है, बस सा करना है इसमें पा करना है, ठीक है ना? धरोहर। हुआ कुछ याद? लाओ सुनो। सीढ़ियां पीढ़ियां सेम है। मूंगफली कौन सी मात्रा आएगी वहां के नीचे? मूंगफली कौन सी मात्रा है वहां के नीचे? बड़े ऊपर चांद वाली बिंदी लाओ दिखाओ। और प्रदूषण में दिखाओ, स्कूल की है प्रदूषण में? पूरा चेक कर दो शुरू से, मिला तो लिया ना तुमने एक एक को मैंने बस 6.3 का जो है ना क्वेश्चन 3 नहीं हो रहा था, मैंने पीछे करा। ये देखो ये गलत क्या कह रही, क्या मिला रखे हैं अलग अलग है, एंड माइनस 3 लिखना है। हां 13 हां ये मोदी ने लिखा है। ना पढ़ो बकवास मत करो, चार्ट और पढ़ जाएगा फालतू भरोगे, काम करते नहीं है कुछ भी। तूने अपने में लिखा है आई लव यू थैंक्स का, काम करो अपना, काम करो। आई लव यू थैंक्स का मोमोज तेरी जान है मेरा भाई है वो। तनिष्का देखो तुमने कुछ भी नहीं किया, कह रही सही कर रखे गलत कर रखे, जब मैं टेस्ट दूं फिर गई कॉपी में ऐसा है। क्या बोला है कंबाइन करना है तो क्या करना है, प्लस लगाना था ना प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा या प्लस माइनस हो गया, प्लस नहीं आएगा, कॉमा लगा के बैठी कुछ नहीं लगा रखा बीच में साइन, तो गलत नहीं हो जाएगा? देख के भी गलत कर दियो तुम तो। चलिए पढ़ लो डिक्टेशन हो रही है फटाफट। लड़का है गुच्छी को रख गुच्छा रख देता गुच्छा, इनके नाम भी तो अजीब अजीब से रखे हुए हैं। लाभ और ये बोला था अरे मेरा सुन पढ़ने बोला है ना, चुप बैठो बिल्कुल। पढ़ी करो अब पढ़ो ठीक है बकवास की, ये कुछ है नहीं है। पढ़ी करो लाओ गुड़ का प्यारा सा
याद भी कर करो जल्दी कि खेल में ही लगे रहोगे। Mumbled.
sad sad no sad something ये क्या है, काट के रख दिया। कौन सा? ढंग से नहीं लिखा था तुमसे। नेक्स्ट लिखो अजूबो। Said something in a quiet manner, धीरे धीरे बड़बड़ाना, उसको मम्मल कहते हैं। Wobbling down गॉबलिंग डाउन लास्ट वाला था गॉबलिंग डाउन। बहुत तेज खाना। ईटिंग टू फास्ट। TOO लिखना, टू फास्ट, बहुत तेज खाना। Move suddenly की स्पेलिंग गलत हो रही है, सडनली लिखना, एन हटा देना, ठीक है? देखी नहीं मैं, दिखी नहीं मुझे। Growled made angry sounds, धरोहर। नेक्स्ट लिखो धरोहर। Made angry sounds at someone. Glared. Stared. At someone with angry. एक बार अब टाइम हो गया, लेके आओ फिर। इनको फिर से रिवाइज करना याद नहीं है तो मेरे पक्के। अब थोड़ा टाइम हो गया, फिर काम करना। पैक कर लो अपना बैग। हाँ। इनको घर पे रिवाइज करना, ठीक है? इंग्लिश का याद नहीं है, कल टेस्ट लेंगे ना, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट लिखो अनुभव। उसको उधर को किसका दो, चेयर को साइड में रख लो। अनुभव के बाद नेक्स्ट लिखना है कोल्ड ड्रिंक। अनुभव के बाद लिखना है कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट लिखो फव्वारे। फव्वारे फव्वारे हो गया हैं? नेक्स्ट लिखना है प्रदूषण। प्रदूषण प्रदूषण दूषण नहीं दूषण प्रदूषण हो गया। प्रदूषण नेक्स्ट लिखो हरियाली। हरियाली ये ऊपर दे दो ना, उनकी गिर गई थी। हरियाली हो गया भाई। हरियाली चले जाओ। नेक्स्ट लिखो मनमोहन। मनमोहक अरे लेने आ गए होंगे ना अभी। मनमोहक 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 के बाद नेक्स्ट लिखना है गर्मी। लाइट चालू कर लो। गर्मी नेक्स्ट लिखो यात्री। मौजूदगी पढ़ लूं इनके। हाँ चले जाओ। यात्री नमस्ते। यात्री के बाद नेक्स्ट लिखना है सुंदर। सुंदर कोरोमंडल याद आ रहा है? जब कोरोमंडल पढ़ाने पढ़ा देते हैं तो ये याद आता है। यहाँ माइनस 4 ए स्क्वायर भी था, तुमने प्लस लगा दिया। गलत कर रखा है, चेकिंग कर ली तुम्हारा यहाँ से। मैंने जा सकते वहाँ तक चेक कर ली, जो गलत हो रहा है वो चेकिंग कर ली। अनुभव हो गया। दरवाजा तो हुआ नहीं। दरवाजा देखो। दरवाजा
नंबर कितने हैं इसके बाद? लाओ चेक करवाओ। एक ही बार में सारा सामान, ये चांद वाली बिंदी यहाँ लगेगी। अजूबो अनुभव छोटो का भाव का मुंह खुला रखते हैं ना भाव। हाँ मुंह चिपका दिया उसका, बंद कर दिया। प्रदूषण को लिख दिया प्रदूषण। प्रदूषण तो मिटाया तो सही से नहीं ना, अगर सही से मिटेगा तो देखना। ये आकर अंडा भी दिख रहा है, ला के अंदर ही घुस गया, चिपक गया वो आकर अंडा। यहाँ के बाद अलग से आकर अंडा लगाना चाहिए था ना, नहीं लगा रखा तुमने। दरवाज लिख के आकर अंडा आप पीछे लगा देखो, ये खत्म हो गया दरवाज। फिर एक चिपका के एक साथ लिखते हैं, जिसको नहीं चिपकाना उसको इतना चिपका दिया, ल के अंदर आकर अंडा घुसा दिया एकदम। ये वाला एक वर्ड फिर से लिख के लाना, घर से पढ़ोगे टू अगेन और मोटा मोटा लिखा करो, नहीं कर पाओगे। मार्क्स दे दिया मैंने, कहा ज्यादा ज्यादा नहीं है ना डिक्टेशन अभी, ये वो मैंने काम करके लिखा है इसका, जीके का। इंग्लिश कॉपी में कर लेना, नहीं होगी खरीद लेना। अजू को बिंदी है धरोहर बाबू धा धनु से छोटे की मात्रा अनु भाव खुला। कोल्ड ड्रिंक ड भी लिखना है अलग से, कोल्ड इस दिन फिर भी तुमसे ज्यादा सही सा लिख रखा है। हाँ सुंदर भी लिखा है इसके कोल्ड ड्रिंक में, बस डांट है और धरोहर हो यार खोल ले चुपचाप से। नहीं उसकी आंख में दर्द हो रहा है ना ज्यादा नहीं, जब जब खोलते हैं धुंधला दिख रहा है, मिर्ची नहीं लगती है ना धुंधला ही दिखेगा अभी इसको। आ गए समझ में तुम्हें? अब यही एग्जाम में आएगा इस बार, अभी ये शब्दार्थ याद करो, इनका टेस्ट दूंगी। ढेर बोलो, गठरी अंबार अटाला, ढेर माने गठरी को घेरना, मोल भाव करना खरीदना और बेचना, शोर माने चीखना चिल्लाना है कोलाहल, कोई भी एक याद कर लेना ठीक है। भेद अंतर बताने वाला है, पक्षपात करने वाला, कोई भी एक वर्ड याद कर लो इनमें से, एक एक मीनिंग याद कर लो सारे। बहुत ही आसान है, एक एक ही याद कर लो, दो दो लिखने की जरूरत नहीं है। जल्दी याद करो फटाफट, और लिखना भी आना चाहिए सही से। जल्दी याद करो फटाफट, लिखना भी आना। हाँ एक कोई भी एक याद कर लो इसमें से। सब में से एक इसमें से आएगा, अंतर बताने वाला या कोई भी एक, यहाँ से कोमा तक एक, कोमा दूसरा स्टार्ट, इसमें तीन है ना, कोई भी एक लिख देना तुम। अटाला याद करेगा, अटाला कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है अटाला? देर को बोला अटाला, माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना, भाव करना, भाव आलू का भाव का मुंह खुला रखना। भाव हो गया है क्या उसको भी? हो गया है तन्मय को। जल्दी याद करो फिर लिख के दिखाओ मुझे फटाफट। हाँ और आगे से अपनी बुक एक ही बार ले आया करो। और क्या ज्यादा तो आई नहीं, चार ही तो है, चार चार ही तो है, ज्यादा कहाँ है। गठरी अबंद्रा, कहाँ है अबंद्रा? अंबार, कोई भी एक याद, गठरी याद कर लो या अंबार, ढेर को अंबार भी कहते हैं ना। हो गया, इधर आओ भाई तनिष्का रानी तुम, हो गया याद कर लो ढंग से भी उसके बाद कर रहा हूँ। क्या है कोमा है ना क्वेश्चन में, क्या बोला है इसने? ऐड, सबसे पहले मैंने क्या बताया कोमे की जगह क्या लगाना, तो तुमने क्या उतारा, ये उतारा 3x की पावर 3, कहाँ है 3, कहाँ है यहाँ से गायब। फिर है 4xy की पावर 2, y की पावर 2 कहाँ है, ये भी गायब। तो ध्यान नहीं दोगी तुम? यही तो मेरे स्कूल में गलती हुई थी। तो क्यों हुई गलती, ध्यान दोगी? जब तुम्हारा ध्यान इधर उधर दूसरों की तरफ रहता है तभी तो गलत हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं? यही तो सीखना है इसमें कि सही कैसे लिखोगे। ये वाला। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, वाई के ऊपर 2 लगा के बैठ गई हूँ। यहाँ कहाँ है वाई पे 2? कुछ भी, अब ये लाइन थी की
वाई की पावर फोर कहाँ है अभी खाली? कहाँ वाई की पावर फोर कहाँ बोल रहे हो? तुमने क्वेश्चन गलत बता रहा है मुझे लग रहा है। ये देखो सिक्स एक्स की पावर वाई, सिक्स वाई की पावर फोर लिखा है तुमने, ये था साथ में मुझे करवाया था, मैंने वैसे करा है। तो सुन लो ना पहले कैसे किया, कुछ तो समझ आएगा कि ऐसी टीप दिया सीधे, कुछ तो समझा होगा करता हुए। ये उतारा बड़ी वाली पावर, फिर वाई की पावर फोर, वाई की पावर फोर वाल, वाई की पावर फोर कहाँ है? और नेक्स्ट की पावर को देख रही, सॉरी वाई की पावर फोर देखो कहाँ है, और कहाँ है वाई की पावर फोर? फोर वाला, फोर वाला वाई की पावर फोर कौन सा था? एक ही था क्या? वाई की पावर फोर भी तो है, ये वाई की पावर फोर रहा होगा लास्ट में मुझे लग रहा है। तुमने गलत लिख रखा है, यहाँ फोर आया, क्वेश्चन भी गलत आ रहा, क्वेश्चन भी नहीं सही उतरा तुमसे देख के। ये देखो यहाँ वाई की पावर फोर थी वो आया है, फिर ये होगी, फिर ये प्लस नहीं है माइनस क्या है ना, तो माइनस ही आ गया, साइन गलत कर रखा है। और देख लो और नहीं गलती हो रही है, या फिर एक्स थ्री है, ये माइनस का है तो ये माइनस ही रहेगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही, ठीक है। फिर देखो गलत हो गया, माइनस है, माइनस प्लस माइनस, सेवन एक्स क्यूब आई में थ्री एक्स क्यूब तो कितना बचेगा, सात में तीन या चार, ठीक है, फोर एक्स क्यूब है और साइन प्लस का आ गया, ठीक है। अब इसमें एक्स स्क्वायर वालों में देख लो, छः में से पाँच गया एक बचा, ठीक है बड़ा है, अब ये दोनों रह गए, इसका तो कुछ होगा नहीं, अनलाइक टर्म्स है ना, इसको ऐसे का ऐसे उतरेगा ये। अब या तो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है तुम्हारा, बाकी ये मैंने सही कर दिया, जिस हिसाब से ये उस हिसाब से मैंने सही कर दिया, बाकी देख लेना तुमने क्वेश्चन सही कर रहा है कि नहीं, ठीक है। आज करिए ये आए कुछ समझ में तुम्हें? करना है जैसे बार बार प्रैक्टिस करते रहो, देख लेती हूँ ना तुम्हें अपने आप ही आने लगेंगे। फिर बस क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस हो तो साइन चेंज करके लिखते हैं, ब्रैकेट खुल जाता है, ब्रैकेट खोलेंगे और साइन चेंज कर दो बस, ठीक है ना। ये वाला तो सही किया तुमने, ये जल्दी चेक हो जाएगा, ये ज्यादा होनी है ना उसमें ज्यादा है, मैंने बोला बैठ के पढ़ो, दस बार बोलूं समझ नहीं आ रही, इधर घूम करके बैठो ऐसे कि दिखे कुछ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। लाओ मैं सुनूंगी, उससे मत बोलो मैं सुनूंगी, बताओ मोल है? मोल ठीक है, और क्या था तुम्हारा? शोर, भेद, भेद, भेद बताओ, भेद, अंतर बताने वाला, ढेर बताला, याद किया, लाओ भाई तुम सुना लास्ट वाला आती था तुम्हें, चलो बताओ मोल क्या? मोल का मीनिंग भाग करना, शोर शोर चिल्लाना, हाँ एक याद कर लो, कोई चीखना चिल्ला कोई भी, भेद भेद क्या भेद भेद वो अंतर बताने वाला, वेरी गुड, मोल गठरी, मोल 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 ढेर, एक बार पढ़ लो फिर लिख के दिखाओ मुझे, हो गया भाई तुम्हारा भी स्पेलिंग देख ली, चलो लिखो साफ साफ लिखना है, तुम गंदा लिखते हो, साफ काम किया करो, चलो अपनी नोटबुक ले लो।
लिख के दिखाओ फटाफट। ये तुम्हारी है, तुम अपनी ले लो, अपने अपने में लिखो। भाई तेरा सुबह आ गया। काम करो अपना, बोलो मत। यहाँ को मत आइए ना। ये बड़ी की। अपना काम करो। गठरी। पढ़ना कुछ होता नहीं है। मोल। तनिष्का सीधे बैठो। ऊपर तो नहीं चढ़ना, चलो कर दो, चलो नहीं चढ़ना ऊपर। क्या नहीं थी, क्या भाई
कल टेस्ट होगा, नंबर मिलेंगे, जिसने गड़बड़ करी उसी की पिटाई लगेगी। इसमें तुम्हारी बुक में इसमें डिफिकल्ट वर्ड टिक हो रखे हैं, सारों की डिक्टेशन खुलेगी, हाथ में लग जाएगी गुच्छी, पांच पांच पूरे लेसन की डिक्टेशन, जो डिफिकल्ट वर्ड है ये लिख लाना, इस पे ये देखो अंडरलाइन कर रखे हैं, ठीक है? कल चेक कर देना सारे सेकंड शॉट लिखो और याद करो, कल टेस्ट होगा। कहाँ से लाए हो? मैं तो सारी चीजें हैं चैन दिया लो। हिंदी आज पार्ट पांच के सारे कठिन शब्द लिखो और याद करो। क्या मैं लिखूं? पांच के ये किसी को कुंडी लगा लेगा? आये कुंडी नहीं, हाँ बाहर से लगा देता है ना। सारे कठिन बहुत तेज हो रहा है आजकल। देखो फूफा जी बुला रहे हैं। देखो ये सोच रहा था फोन ही हो आप। आ जा, तुमको काम करना है, सारे शब्द लिखो हैं और याद करो। सॉरी, देखो क्या कह रहा फूफा, आ गए।